नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। प्राचीन यूनान को अगर हम देखें तो प्राचीन यूनान के अंतर्गत दास प्रथा व्यापक पैमाने पर प्रचलित थी। यूं कहें कि प्राचीन यूनान में दास प्रथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम सोफिस्ट विद्वानों के चिंतन को देखें, सोफिस्ट विद्वान ऐसे विद्वान थे जो कि यूनान के अंतर्गत घूम घूम करके व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करते थे। इन सोफिस्ट विद्वानों के चिंतन को देखें तो इन सोफिस्ट विद्वानों ने मानवता एवं प्राकृतिक समानता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया था। सोफिस्ट विद्वानों का मानना था कि दास प्रथा प्राकृतिक समानता के नियम के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, इसलिए सोफिस्ट विद्वानों ने दास प्रथा की भरपूर निंदा की। लेकिन अगर हम प्लेटो के चिंतन को देखें तो प्लेटो के चिंतन के अंतर्गत दास प्रथा का कहीं पर भी कोई विरोध नहीं किया गया है, लेकिन प्लेटो ने स्पष्ट रूप से दास प्रथा का कहीं पर भी कोई समर्थन भी नहीं किया, इसलिए यह माना जाता है कि प्लेटो दास प्रथा का मौन रूप से समर्थक विद्वान था, क्योंकि दास प्रथा यूनान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रचलित थी और प्लेटो ने दास प्रथा का कहीं पर भी कोई विरोध नहीं किया। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को अगर हम देखें तो अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत दास प्रथा का प्रबल रूप से समर्थन किया गया है। यहाँ तक कि अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल बताने का भी प्रयास किया है। अरस्तु तीन आधारों पर दास प्रथा को उचित ठहराने का प्रयास करता है। उससे पहले हम यह समझ लें कि अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता है। पहला प्रकार बताता है वो प्राकृतिक दास्ता। प्राकृतिक दास्ता के अंतर्गत वो ये मानता है कि विवेक रहित और मंद बुद्धि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दास होते हैं। कानूनी दास्ता या वैधानिक दास्ता, ऐसे दास जो कि युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्ति होते हैं। लेकिन अरस्तु कहता है कि गैर यूनानी लोगों को ही युद्ध में बंदी बनाया जा सकता है, यूनानी लोगों को युद्ध के अंतर्गत बंदी नहीं बनाया जा सकता और ऐसे लोगों को दास भी नहीं बनाया जा सकता। अरस्तु कहता है कि कई बार युद्ध अन्यायपूर्ण होते हैं, इसलिए विवेकशील व्यक्तियों को भी दास बनाया जा सकता है जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार अरस्तु कानूनी दासता का समर्थन नहीं करके प्राकृतिक दासता का समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि जो विवेक रहित व्यक्ति होता है, जो कि मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, जिसके अंतर्गत सद्गुण की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है, ऐसे व्यक्तियों को दास बनाया जा सकता है, और जिसके अंतर्गत विवेक होता है, जिनके अंतर्गत सद्गुण की क्षमता पाई जाती है, ऐसे व्यक्तियों को मालिक बनाया जा सकता है। अरस्तु दासता का तीन आधारों पर समर्थन करता है। पहली बात, अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक नियमों की अनुकूल है। अरस्तु कहता है कि यह प्रकृति का नियम है कि उत्कृष्ट व्यक्ति है वो निकृष्ट व्यक्ति पर शासन करे। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होता है और बुद्धि के ऊपर और शरीर दोनों के ऊपर आत्मा का नियंत्रण होता है, क्योंकि आत्मा है वो बुद्धि एवं शरीर दोनों से ही सर्वोच्च होती है, ठीक उसी तरीके से अरस्तु कहता है कि दास के ऊपर भी मालिक का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मालिक है वो दास से श्रेष्ठ होते हैं, दास से उत्कृष्ट होते हैं, इसलिए मालिकों का, स्वामियों का दास के ऊपर नियंत्रण पाया जाता है। अरस्तु के अनुसार कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित और विवेकहीन होते हैं और कुछ व्यक्ति है बुद्धि और विवेक से संपन्न होते हैं, इसलिए विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दासता में रहना प्राकृतिक नियम के अनुकूल है। तो इस तरीके से अरस्तु यह कहता है कि दास स्वभाव से निकृष्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, उनके अंतर्गत विवेक का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए वह निकृष्ट है। स्वामियों के अंतर्गत, मालिक के अंतर्गत विवेक की क्षमता पाई जाती है, सद्गुण की क्षमता पाई जाती है, इसलिए मालिक है वो श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल ठहराने का प्रयास करता है। दूसरी बात, अरस्तु ये कहता है
की दास्ता है वो मालिक एवं दास दोनों के लिए ही लाभदायक है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि मालिक को अवकाश की प्राप्ति हो जाती है और सक्रिय राजनीति के अंतर्गत भागीदारी करने के लिए मालिक को अवकाश की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ दास के लिए दास्ता फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि अरस्तु कहता है कि बुद्धि संपन्न स्वामी के संपर्क में रहने से दास के अंतर्गत स्वयं में बुद्धि या सद्गुण का विकास होना संभव है, इसलिए दास के अंतर्गत दासों के लिए भी दासता का विचार है वो उपयोगी है। इस प्रकार अरस्तु यह कहता है कि मालिक को तो अवकाश की प्राप्ति हो जाती है और दास लगातार मालिक के संपर्क में रहता है तो उसके अंतर्गत सद्गुण की क्षमता का विकास हो जाता है, उसके अंतर्गत बुद्धि का विकास हो जाता है, इसलिए दास प्रथा अरस्तु के अनुसार मालिक एवं दास दोनों के लिए ही लाभदायक है। तीसरी बात अरस्तु यह कहता है कि दास प्रथा है वह संपूर्ण समाज के लिए ही लाभदायक है, क्योंकि इससे समाज के अंतर्गत संतुलन बना रहता है, क्योंकि मालिक है वो तो सक्रिय राजनीति में भागीदारी करेंगे और दास है वो घरेलू कार्यों के अंतर्गत मालिक का सहयोग करेंगे। अरस्तु ने दास प्रथा के मानवीय पहलू पर भी विचार करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि अरस्तु दासों के शोषण का समर्थन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरस्तु यह कहता है कि दासों का मालिक के द्वारा शोषण बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, दास की जो मानवता है उसको भी ध्यान में रखते हुए दासों के साथ उदारता पूर्वक एवं मानवीय व्यवहार मालिक के द्वारा किया जाना चाहिए। अरस्तु यहां तक कहता है कि जब दास के अंतर्गत मालिक के संपर्क में रहते हुए स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास हो जाए तो उन्हें मुक्त करने की बात अरस्तु करता है, यानी अरस्तु यह कहता है कि दास की मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए, दासों के साथ मालिक को हमेशा उदारता पूर्वक मानवीय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जिस तरीके से एक मानव दूसरे मानव के साथ व्यवहार करने की उम्मीद रखता है, ठीक उसी तरह का व्यवहार मालिक को भी दास के साथ में करना चाहिए, और जब दास लगातार मालिक के संपर्क में रहता है तो अरस्तु यह कहता है कि यह संभावना बनी रहती है कि दास के अंतर्गत भी विवेक का विकास हो जाता है, उसके अंतर्गत भी सद्गुण की क्षमता है वो आ जाती है और दास भी स्वतंत्र चिंतन मनन करने की प्रवृत्ति का विकास कर लेता है, तो उन परिस्थितियों में दास को मुक्त किया जाना चाहिए, लगातार उसको दास बनाए रखना नहीं चाहिए। तो अरस्तु की जो दास प्रथा है, दासता का विचार है, उसमें दास के मुक्त होने की प्रवृत्ति है वो भी देखने को मिलती है। अगली बात अरस्तु यह कहता है कि दासों को केवल घरेलू कार्य में रखने का अरस्तु समर्थन करता है, उत्पादन कार्य में रखने का अरस्तु समर्थक नहीं है, यानी अरस्तु कहता है कि दास को उत्पादन के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मालिक है वो दास को उत्पादन कार्यों में लगा करके व्यापारिक कार्यों में लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसका अरस्तु कतई समर्थन नहीं करता है। अरस्तु कहता है कि दास को केवल घरेलू कार्य के अंतर्गत मालिक का सहयोग करने के लिए रखा जा सकता है, उत्पादन कार्य के अंतर्गत दासता का अरस्तु बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, क्योंकि अरस्तु यह कहता है कि जब दास घरेलू कार्य के अंतर्गत मालिक का सहयोग करेंगे तो मालिक को अवकाश की प्राप्ति होगी और मालिक है वह सक्रिय नागरिक के रूप में राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत भागीदारी कर पाएगा, लेकिन उत्पादन के कार्यों में व्यापार के कार्यों में अगर दास को लगाया जाएगा तो उसके शोषण की संभावना है वो बनी रहती है। तो इस तरीके से अरस्तु घरेलू कार्य के अंतर्गत ही दास प्रथा का समर्थन करता है, उत्पादन कार्य के अंतर्गत समर्थन नहीं करता। अरस्तु की दास प्रथा की कुछ आलोचनाएं भी है। अरस्तु ने हालांकि दास प्रथा के मानवीय पहलू पर विचार किया है, लेकिन दासता हमेशा दासता ही रहती है, उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। आधुनिक लोकतंत्र को हम देखें तो लोकतंत्र है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है और लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल माना जाता है, जिसके अंतर्गत न तो कोई स्वामी होता है न ही कोई दास होता है, बल्कि सभी व्यक्ति है वो इक्वल होते हैं। तो अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना पहली यह है कि बुद्धि या विवेक के आधार पर मानव जाति को दो भागों में विभाजित करना पूर्णतः अतार्किक है, क्योंकि अरस्तु बुद्धि को आधार बना करके विवेक को आधार बना करके मानव जाति को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक मालिक दूसरा
दास। अरस्तु कहता है मालिक में विवेक की क्षमता पाई जाती है और दास के अंतर्गत विवेक की क्षमता नहीं पाई जाती। लेकिन अगर हम देखें तो इसका निर्धारण करना कठिन है कि किसके अंतर्गत पूर्ण विवेक की क्षमता पाई जाती है और किसके अंतर्गत पूर्ण विवेक की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों में निर्भर करता है। इसलिए मानव जाति को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करना पूर्णतः अतार्किक है, आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के ये खिलाफ है। दूसरी बात, दास प्रथा अनैतिक और अमानवीय प्रथा है जिसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन करने का प्रयास किया लेकिन उसकी कई सारी आलोचनाएं भी विद्यमान है। तो इस व्याख्यान में हमने अरस्तु की दासता संबंधी जो विचार है उनको समझने का प्रयास किया।